चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अब पूरी तरह से नेता बन चुके हैं। जी हाँ, वो भी आजमगढ़ की धरती से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी के टिकट से। अब निरहुआ ने पूरी तरह से जोर शोर से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तभी तो वो दिन में करीब 5 से 10 सभाएं लगातार करते जा रहे हैं और हर गाँव में जाकर वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के भी लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तभी तो आजमगढ़ की धरती पर पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री उतरा हुआ है। तभी तो भोजपुरी के बड़े बड़े सुपर स्टारों ने भी निरहुआ के लिए आजमगढ़ की धरती पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अरविंद अकेला कल्लू भी आजमगढ़ में निरहुआ के लिए वोट मांगने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद अकेला कल्लू ने निरहुआ के लिए एक जबरदस्त बीजेपी गीत गाया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ निरहुआ के जीत के लिए यह वीडियो सॉन्ग काफी ज्यादा सोशल मीडिया के साथ साथ आजमगढ़ के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब आजमगढ़ की धरती पर अरविंद अकेला कल्लू भी निरहुआ के लिए वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि अरविंद अकेला कल्लू के इस अभियान से निरहुआ को कितना फायदा होगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन निरहुआ इन दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टारों को अपने चुनावी मैदान में उतार रखा है और सभी लोग निरहुआ के लिए वोट मांगते हुए गली गली में नजर आ रहे हैं। कुल मिला के कहा जाए तो निरहुआ का क्षेत्र आजमगढ़ इन दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से घिरा हुआ है। निरहुआ अपनी रैली को हमेशा सोशल मीडिया पर लाइव करते हैं, तभी तो आजमगढ़ के लोग के साथ साथ पूरे भारत के लोग इस रैली को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और रैली सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल है। अब देखना यही होगा कि क्या निरहुआ आजमगढ़ की धरती से जीत पाएंगे, वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ, क्योंकि निरहुआ सीधा सीधी अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब नतीजा तो चुनाव के बाद ही आएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि दोनों यादव की टक्कर में किस यादव की जीत होगी, यह तो बहुत ही बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन जीते चाहे कोई भी, लेकिन चुनाव बहुत ही मस्त होने वाला है, वो भी आजमगढ़ के लोगों के लिए।